ब्लास्ट हुआ था उसमें बीजेपी की जो वक्तव्य आया बीजेपी अध्यक्ष का, वो बिल्कुल उनके मानसिक दिवालियेपन का सबूत। भारतीय जनता पार्टी के इस रणनीति की निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि इस घटना की उच्च स्तरीय जांच कराए। विस्फोट हुआ बांका के मदरसे में और बिहार के सियासत में उफान आ गया। जी हाँ, एक तरफ जहां बीजेपी की तरफ से लगातार इस बात को लेकर चर्चा की गई कि मदरसों में आतंकी पढ़ाई करवाई जाती है, आतंकियों को पैदा कराया जाता है, और फिर क्या था इस विवादित बयान को लेकर लगातार बिहार के सियासी गलियारों से अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी। अभी भी ये मुद्दा थमा नहीं है, ठंडे बस्ते में नहीं गया, लगातार उसको लेकर चर्चा जारी है। आपको बता दें कि आरजेडी के प्रदेश उपाध्यक्ष तनवीर हसन की तरफ से एक बार फिर से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष यानी कि संजय जायसवाल पर सवाल खड़े किए गए हैं। उन्होंने बताया है कि साफ तौर पर ये इस तरह का बयान बीजेपी की तरफ से देना और उसके बाद उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग रखना, ये यही दिखाता है कि उनकी मानसिकता कितनी विकृत है। वो भेदभाव कराना चाहते हैं। पिछले कई महीनों से लॉकडाउन के कारण ये मदरसा बंद था, तो इसमें आतंकियों की पढ़ाई कैसे हो सकती है, ये कहना है तनवीर हसन का। क्या कुछ कह रहे हैं आप? पहले ब्लास्ट हुआ था उसमें बीजेपी की जो वक्तव्य आया बीजेपी अध्यक्ष का, वो बिल्कुल उनके मानसिक दिवालियेपन का सबूत है। इसलिए कि बांका का जो मदरसा है, लॉकडाउन में सभी संस्था बंद है महीनों से, वहाँ बच्चे नहीं हैं, वहाँ टीचर नहीं हैं। अब किसने क्या कर दिया, कौन सा विस्फोटक पदार्थ किसने ला कर रख दिया, ये बड़े गहन जांच की ज़रूरत है। बिना जांच के अगर कोई डिमांड करता है भारतीय जनता पार्टी को, तो बीमारी है। ऐसे मामलों में वो भेदभाव करके बयान देते हैं ताकि एक दुराव पैदा हो राज्य में। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के इस रणनीति की निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि इस घटना की उच्च स्तरीय जांच कराए और निशाने तक पहुंचे सरकार की कौन इसमें शामिल है। मदरसे शिक्षक नहीं थे, इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी तो वीरान मदरसा था। किसने क्या किया है, इसकी जांच की जरूरत है। जांच होना चाहिए, जांच उपरांत कार्रवाई होनी। बिहार में मदरसा बम ब्लास्ट को लेकर सियासी पारा चरम सीमा पर है और इसी कड़ी में आरजेडी के प्रदेश उपाध्यक्ष तनवीर हसन ने एक बार फिर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मदरसा बम ब्लास्ट पर अपना बयान दिया है, वो कहीं ना कहीं उनके मानसिक दिवालियापन का सबूत है। उन्होंने कहा कि बांका का जो मदरसा है लॉकडाउन के कारण बंद पड़ा है, साथ ही साथ लॉकडाउन के कारण सभी संस्था बंद हैं। महीनों से उस मदरसे में बच्चे नहीं, मदरसे में टीचर नहीं, अब किसने क्या कर दिया और विस्फोटक पदार्थ मदरसा में रखकर ब्लास्ट कर दिया, यह बहुत बड़ा सवाल सरकार पर खड़ा होते नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि बिना जांच के अगर कोई डिमांड करता है तो भारतीय जनता पार्टी को बीमारी है। ऐसे मामलों में भेदभाव करके बयान देते हैं ताकि विवाद पैदा हो जाए और राज्य में। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के इस रणनीति की निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि इस घटना की उच्च स्तरीय जाँच कराई जाए और पूरे मामले के तह तक सरकार पहुंचे। तो फिलहाल बांका में विस्फोट को लेकर सियासत अभी भी बिहार के सियासी गलियारों में जारी है। लगातार उसको लेकर आए दिन नई नई प्रतिक्रियाएं सामने रखी जा रही है और इसी कड़ी में अब भाजपा के ऊपर एक बार फिर से आरजेडी ने बड़ा हमला बोला है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उनकी विकृत मानसिकता साफ तौर पर दिखाई देती है, उनकी मानसिकता पूरी तरीके से दिवालियापन से गुजर रही है और यही वजह है कि इस तरह की बातें वो सामने आकर रखते हैं, भेदभाव करते हैं। जो मदरसा पिछले कई महीनों से बंद है, आखिर उसमें विस्फोटक पदार्थ कहां से मिलेंगे, इसकी जांच क्यों कराई जा रही है। फिलहाल मैं इस पूरे मसले को लेकर उच्च स्तरीय जांच की मांग करता हूं और सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस पूरे मामले के तह तक जाए। हालांकि इस पूरे मसले को लेकर अभी फॉरेंसिक जांच की गई है, इसके आगे जो कुछ भी खबर हमारे सामने आएगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहे न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।